लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आरएसएस में कथित तौर पर खींचतान देखने को मिली। इस बीच आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार अपने पुराने बयान से यूटर्न लेते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वो भाजपा के प्रदर्शन और पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से खुश हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर आरएसएस के इंद्रेश कुमार का एक बयान वायरल हो जाता है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि अहंकारी पार्टी को बहुमत न मिलना ईश्वर का न्याय है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। वहीं अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भाजपा के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि देश का माहौल इस समय बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं। ऐसा है, देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। साथ ही इस दौरान आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि वह लिख कर दे रहे हैं कि 4 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। वहीं केजरीवाल ने एक आंकड़ा देते हुए कहा था कि भारतीय गठबंधन को इतनी सीटें मिलेंगी, मैं बस इतना कह सकता हूं कि देश इससे आगे बढ़ चुका है। राहुल ने ये घोषणा की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। केजरीवाल ने कहा था कि मैं लिख कर देता हूँ इतना आंकड़ा जो है इंडी अलायंस का आएगा, तो उनकी घोषणाएं हैं पॉलिटिकल स्टाइल की। अब इसको आप जो भी शब्द देना चाहे दे सकते हैं, मेरा इतना ही कहना है कि देश अब आगे बढ़ चुका है इससे, और वह अपनी नई मंजिल और नए आयाम को और नए नेतृत्व के साथ देखना चाहता है, और भगवान ने यह श्री नरेंद्र मोदी बीजेपी एनडीए को सुअवसर दिया है कि वह इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। गौरतलब है कि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आरएसएस में अंतर्कलह के अनुमान लगाए जाने लगे। साथ ही विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर हो गया, जिसके बाद आज आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भाजपा और पीएम मोदी के समर्थन में बयान देते हुए सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।